पाकिस्तान भी मुजाकरात की मेज पर आएगा टीटीपी के साथ। सर क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए अली हैदर भाई, चूँकि हम मेरा ताल्लुक उसी इलाके से है, खैबर पख्तूनख्वा से, और हमारे इलाके ने बड़ा सफ़र किया, मेरे तो अपने हलके ने सफ़र किया है। मेरे अपने बैचमेट जो हैं वो मेरे वकील भाई थे, वो शहीद हुए, इलियास सानी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला जान सानी साहब के बरखुरदार थे, एक बड़े मायनाज वकील थे। मर्दान कोर्ट्स के अटैक की बात करूँ, मर्दान में हमारे नादरा पे अटैक्स हुए, मेरे अपने हल्के में एक दफ़ा 2013 में अटैक हुआ जिसमें 45 बंदा शहीद हुआ, हमारे एक MP भी उसमें फौत हुए। तो हमारे हमने तो सब ने बड़ा सफ़र किया है। तो लेकिन इस 20 साल की जो जदोजहद है अफ़गान कौम की अपने मुल्क को आज़ाद कराने की, उसमें एक रिकॉर्ड है अफ़गान तालिबान का कि ना कभी उनकी तरफ से कोई बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया, हालांकि बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए उन पर, और ड्रोन अटैक्स और वो सारी चीज़ें याद करें, और ना कभी उन्होंने पाकिस्तान में कभी कोई पत्ता तोड़ा। तो हमें तो उम्मीद थी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये हमारी उम्मीद जो है उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया है कि जब सबसे पहले उनके मेरे ख्याल में सुहेल शहीन साहब ने शायद बात की थी कि अफगान सरजमीन जो है किसी भी हमसाये के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगी, और हमारे ख़िलाफ़ अशरफ गनी साहब को मैं क्या कह सकता हूँ, वो अब चले गए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन उनकी मौजूदगी में NDS ने सही बिल्कुल हिंदुस्तान का जो एक दहशतगर्दी का अड्डा साहब बना दिया था। बदकस्मती से मैं नहायत अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अटैक्स हुए, जो हमारे बच्चों के हमारे मदरसे स्कूल, यानी कि मैं ज़िंदगी में अली हैदर भाई अगर वालिद साहब की वफ़ात, मैं खुद जनाजा पढ़ाया हूँ, खुद उनको मैंने नहलाया, वो बीमार थे, फौत हुए, उस अपने वालिद की वफ़ात पर इतना नहीं रोया जितना आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हमारा अली हैदर भाई वाकया हुआ। आप और हम सब पूरी कौम उस पे रोई 16 दिसंबर, और हमें बाकायदा उससे पहले आपको याद होगा धमकी दी गई हिंदुस्तान की तरफ से कि आपको 16 दिसंबर को तकलीफ पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाएंगे, अजीत दोवाल वगैरह की जो दहशतगर्दों की टीम उधर बैठी है। तो इतना हमने सफ़र किया है, तो ये जो अब डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सब इसको खुशाइन करार देते हैं, और ये उन बातों का एक समरा भी है जो इमरान खान साहब ने बात की थी कौमी असम्बली में कि हमारी सरजमीन जो है किसी के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होगी, हम अमन में तो साथी बन सकते हैं, जंग में कभी भी नहीं, अफगान हमारे भाई हैं, और हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में सिर्फ एक है, पुराना कॉन्सेप्ट नहीं, नया कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि अफगानिस्तान में अमन हो, यही हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कोई हमारे उधर फेवरेट्स नहीं है, जो उधर आपस में बैठ के वो हुकूमत बनाएंगे वो हमारे भाई। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का किरदार, उसमें क्या ये खबरें दुरुस्त हैं अली मोहम्मद खान साहब कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान से मुजाकरात करेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो अफगान तालिबान का भी बिल्ड हुआ है जो कि किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करने देंगे अफगानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए? देखें, एक तो अली हैदर भाई सबको बड़ा ये ऐसे क्लियर होना चाहिए जैसे रोज रोशन की तरह हो कि अफगान तालिबान और जो TTP है, जो दहशतगर्द एक तंजीम है जो रॉ NDS के पैसों पे पलती थी, इनमें इतना फ़र्क है जितना सुबह और शाम में होता है कि अफगान तालिबान ने कभी पाकिस्तान का पता नहीं तोड़ा और TTP ने पाकिस्तान में क्या जी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो कि तालिबान की जब हम बात करते हैं तो अफगान तालिबान कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। TTP का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें ये बहुत सीरियस एक मामला है, मेरे पास इसमें कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, काबीना की कल मीटिंग है, मे बी उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में बात कर सकें, लेकिन उसमें जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं जो जिन्होंने दहशतगर्दी की है, मुझे नहीं समझ आती उनसे अगर बात कैसे होगी, लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक अलहदा बात है जी। लेकिन जो उनके मेन लीडर्स हैं वो तो देखें दहशतगर्दी में बड़े लेवल पर इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा लेकिन सर क्या बड़ी उम्मीद है कि अमन का एक नया दौर जो है वो शुरू होने वाला है अफगान तालिबान के कहने पे, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो क्या उनके लिए आम माफी का ऐलान हो सकता है? डेफिनेटली आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम APS को कैसे भूल जाएं, अगर वो सरेंडर कर भी दें तो हम APS को कैसे भूल सकते हैं, हम उन 80,000 जानों का कैसे मैं देखें अली हैदर भाई, देखें मैं अली हैदर भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हक अल्लाह ने अपने हाथ में भी नहीं रखा, ठीक है ना। अब जो अफगानिस्तान में ऐलान हुआ है आम माफ़ी का, वो तो फतेह मक्का की याद उन्होंने ताज़ा की है, वो आम माफ़ी उन लोगों के लिए कि आप डर के ना भागें और आप यहाँ पे अमन है, और आपने देखा कि जो कुछ लोगों के खदशात थे या बाज़ लोगों के मैं कहूँगा शैतानों की शायद उम्मीदें भी थी कि सिविल वॉर हो, नहीं हुई, अल्लाह ने करम किया।
تو وہ تو انہوں نے ادھر اپنے عام افغان عوام کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ کسی کو کوئی خدشہ ہو تو ملک سے بھاگنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک میں سول وار نہیں ہوئی, اللہ نے امن برقرار رکھا. لیکن جہاں تک یہاں کا تعلق ہے, دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی, کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. تو مجھے آپ یہ بتائیں, یہ تو حقوق العباد میں آتا ہے, اگر آپ کا کوئی خدا نخواستہ کوئی مار دے, حکومت پاکستان اس کو معاف نہیں کر سکتی, اس کا بدلہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ قصاص ہے. تو ہمارے جو آرمی پبلک اسکول کے بچے فوت ہوئے, شہید ہوئے, جو ہمارے فوج کے سروں سے فٹ بالیں کھیلی گئیں, جو ہمارے مدرسوں کو نہیں بخشا گیا, ہمارے اسکولوں کو, ہمارے کالجز, ہمارے دفتروں, ہمارے مارکیٹس کو نہیں بخشا گیا, تو جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں ان کو کیسے کوئی اس طرح سے معاف کر سکتا ہے؟ وہ تو آئین کے مطابق جو بھی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ سارے تو اس طرح ہارڈ کور کرمنلز نہیں ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ساتھ لگا لیا, پیسے میسے دے دیے. اب ان کی نہیں میں بات کرتا, لیکن جو مین سرکردہ, اب دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ان کی فنڈنگ ہوتی تھی وہ تو اب افغانستان میں تو ان کو سینکچوریز انشاءاللہ نہیں ملیں گی. تو ہندوستان کے جو پلے ہوئے تھے جو پاکستان پہ جو ہے اٹیکس کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ ان پہ فنڈنگ وغیرہ کی جب سلسلے اور سینکچوریز جب بند ہوگی تو یہ انشاءاللہ ڈس بینڈ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے امن آئے گا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جو پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. اب اس کو چاہے کوئی کچھ بھی کہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو اقبال کا خواب تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے, میں دوبارہ وہ بات کرنا چاہوں جو عمران خان صاحب نے اشرف غنی صاحب کو, میں خیال ازبکستان میں شاید یہ بات کی تھی, اور یہ ہم سب کی دل کی آواز ہے. دیکھیں دنیا میں افغان قوم کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ افغانستان کا امن عزیز ہو سکتا ہے تو وہ ہم ہیں. اس کی وجہ دو ہیں, ایک برادر اسلامی ملک ہے تو ہم پہ ویسے ہی اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے لحاظ سے فرض ہے, لیکن دوسرا ہمارے اپنے سٹیکس ہیں. ہمارا سی پیک 100% کامیاب تب ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا اور سینٹرل ایشیا تک ہم جا سکیں گے. تو یہ ہندوستان وغیرہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وہاں امن نہ ہو, ہم وہ آخری قوم ہوں گے دنیا میں جو یہ نہ چاہیں کہ وہاں امن ہو. ہم دنیا کی پہلی قوم ہوں گے افغان قوم کے بعد جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, اور یہیں پہ وہ وزیراعظم صاحب کی بات وہ دل کو لبھانے والی بات ہے کہ we will be partners in peace not war. علی صاحب بہت شکریہ.